माशाल्लाह माशाल्लाह, वही चमचमाती मशहूर शमशीर। बड़े किस्से सुने हैं इसके, लेकिन हुजूर, इससे पहले कि आप अपनी इस चमचमाती शमशीर से बंदे की गर्दन कलम करें, बंदा एक छोटी सी इल्तिजा करना चाहता है आपके साथ। तब तक बराए मेहरबानी अपनी इस शमशीर को वापस मयान में डाल लें। बहुत जानते हो हमारे तलवार के बारे में। इसे मयान में रखने से पहले हम जानना चाहेंगे कि तुमने हमारी गाय क्यों चोरी की। मैंने इसलिए किया क्योंकि बंदा चाहता था कि हुजूर खुद चलकर मेरे सामने आए और आप आग आ गए। मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रताप कि आप यहां मुझसे लड़ाई करने आए हैं। लड़ाई होगी, जरूर होगी, लेकिन उससे पहले बंदा आपकी खातिर तवाज़ो तो करे, मुझे आपके मेहमान नवाजी करने का एक मौका तो दें प्रताप। ऐसे हैरानी से ना देखे, आज तक जाहिर सत्ता के सामने कई आए, लेकिन एक भी लड़ाई इस लायक नहीं थी कि उसे तवारीख के सफों में दर्ज कराया जा सके। मगर आज वो सब बदल जाएगा। आज मेरे सामने इस सरजमी का सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर जंगजू खड़ा है। और अब आपको हराने के बाद ही बनेगी बात, वो वाक्या होगा तवारीख के सफों में दर्ज कराने लायक। वो दिन जहीर सक्का की जिंदगी का सबसे खास दिन होगा। और अपनी जिंदगी के खास तरीन दिन को जहीर सक्का एक जश्न की तरह मनाना चाहता है प्रताप। और आपकी मेहमान नवाजी से बढ़कर भला और क्या जश्न हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस इल्तिजा को आप जरूर मानेंगे। पहले मेहमान नवाजी और उसके बाद रात में लड़ाई। नहीं सही सका, नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हारा ये प्रस्ताव। तुमने हमारी गाय चोरी की, इसका तुम्हें प्रत्युत्तर तुरंत ही मिलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बान जाऊं, मशहूर राजपूती गुस्सा आज रूबरू देखने को मिल गया। लेकिन एक छोटा सा मसला है प्रताप, यदि आप मुझसे अभी यहीं लड़ने की जिद करेंगे तो उस लड़ाई में मेरी ये तमाम फौज भी शामिल हो जाएगी। अब आप ही सोच लीजिए, एक तरफ होंगे आप और आपके ये साथी, और दूसरी तरफ मैं और मेरी तमाम फौज। खुदा कसम मुकाबला कुछ बराबरी का नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। जही सका, हमने सुना है कि तुम अपने ही दम पे दो दो हाथ लड़ने में विश्वास रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल यकीन करता हूं, आमने सामने की लड़ाई हाथों से, लेकिन सिर्फ रात को। जही सका सिर्फ रात को लड़ाई करता है। उम्मीद करता हूं कि आप खाकसार की ये छोटी सी इल्तिजा जरूर कबूल फरमाएंगे। ठीक है जहीर सका, ठीक है। रात है तो रात ही सही। ये हुई ना बहादुरों वाली बात। आप आइए, मैंने आपकी मेहमान नवाजी के सारे इंतजाम कर रखे हैं। तशरीफ लाई। हाहाहा
बेफिक्र रहिए प्रताप, अपने घर बुलाए मेहमान पर धोखे से हमला करना जाहिर सक्का की फितरत में शामिल नहीं है। ये बात आप भी समझ लें और अपने साथियों को भी समझा लें। अब जब आप हमारी मेहमान नवाजी कबूल कर ही रहे हैं तो फिर इन हथियारों का क्या काम? आप बेफिक्र रहिए, लड़ाई से पहले आपके ये हथियार आपको सही सलामत वापस कर दिए जाएंगे। तब तक बराए मेहरबानी अपने हथियार मुझे दे दीजिए। शुक्रिया सिपाही, आपके साथियों की शमशीर भी। हमें तुरंत ही सबसे छुपा के अपनी बंदूक फेंकनी पड़ेगी कहीं। प्रताप, उम्मीद करता हूं कि मेरी रात में लड़ाई करने वाली गुजारिश आपको ज्यादा नागवार नहीं गुजरेगी। जरी सका, तुमने हमें विकल्प ही कहां दिया है? पर कोई बात, हम एक सच्चे राजपूत हैं, और जब सामने एक पवित्र उद्देश्य होना तो फिर हम दिन दिन और रात रात कदापि नहीं देखते। माशाल्लाह। आई दादा भाई, कहां चले गए थे आप? वो दादा भाई, एक विजय चूरण की पुड़िया रह गई थी हमारे पास गलती से, बस वो ही फेंकने गए थे। चलिए। एतमाद दिखाई दे रहे हो इस लड़ाई को लेकर, इसमें पूरे एतमाद की क्या बात है? अब यकीन है तो यकीन है, मत भूलो कि जहीर सक्का आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन इस बार लड़ाई मेवाड़ के शहजादे प्रताप से है। जानता हूं जानता हूं प्रताप के बारे में। ये वही है जिसके सामने ना तो बैरम खान की एक चली और ना ही अकबर की, पर मुकाबला इस बार जहीर सक्का से है। इसकी मौत का वक्त हो चला है, तभी तो खुद चल के मेरे पास आया है। अच्छा, तो वो गायें चुराना महज एक बहाना था उसे यहां खींच कर लाने का। मैं जानता था ऐसी किसी हरकत पर ये मेरे पास दौड़ा चला आएगा, और देखो वो दौड़ा चला आया, मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया है। अब वक्त है उसे खत्म करने का। कितना यकीन है तुम्हें? लेकिन इतने यकीन की वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास तू है,
पास तू है। महारानी सा, क्या है दमन सिंह जी? संभवतः कुछ नहीं है महारानी सा। यदि कुछ नहीं है तो हमें क्यों बुलाया? अच्छी तरह से जानते हैं आप कि बंदूक के किस्से के बाद राणा जी ने महल के चप्पे चप्पे पे गुप्तचरों को बिठा रखा है। यदि कोई योग्य समाचार है तो शीघ्र बताइए। महारानी सा, यहाँ से जाने से पहले कुंवर जगमाल को हमने राणा जी के निजी शास्त्रागार से बंदूक चुरा कर जाते हुए देखा था। अब कुंवर जगमाल ये कौन सा मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहे हैं? यदि किसी ने कुंवर जगमाल को उस बंदूक के साथ देख लिया तो उनके लिए मृत्यु दंड अवश्य है। हो सकता है महारानी साहब वो बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले गए हो। मैं कुंवर प्रताप के साथ गए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुंवर जगमाल भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कुंवर प्रताप साथ हो तो संभवतः किसी को कुछ नहीं हो सकता है। इसके पहले कि वो बंदूक का इस्तेमाल करें, आप किसी तरह उस बंदूक को वापस ले आए। जी महारानी साहब। राणा जी, पूरी रात बीत चुकी है, आप क्षण भर के लिए भी सोए नहीं हैं। अभी तो आप इस सराय में आने वाले हर व्यक्ति पे अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। केवल आने जाने वालों पर ध्यान ही नहीं है हमारा, रात भर से हम अंतिम साक्ष्य ढूंढ रहे हैं बस, जो हमारे पुत्र को निर्दोष साबित कर सके। रावत जी, हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप निर्दोष है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। रावत जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक राजा हैं और एक राजा को अपने अंतरात्मा के स्वर को मान निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। एक राजा बंधा होता है राजधर्म से, न्याय की परिस्थितियों से, नियमों से। उसे परिस्थितियों और नियमों के आधार पर ही निर्णय लेने होते हैं। वो सारी परिस्थितियां कुंवर प्रताप के विपरीत जा रही है राव जी। कुंवर प्रताप, आपकी चुप्पी हमें यह सोचने पर विवश कर रही है कि वो आप ही थे जिसने गोली चलाई थी। आप अब भी अपने बचाव में कुछ नहीं गए। हमारे हर प्रश्न के उत्तर में उनका मौन परिस्थितियों को बिगाड़ता जा रहा है रावत जी। राणा जी, आपका कहना उचित है, परंतु हमें, राणा जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बाऊजी राज प्रताप भी अवश्य इन परिस्थितियों से अवगत होंगे। तो फिर क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ ऐसा रावत जी? क्यों सता रहे हैं हमें चुप रहकर? क्या अपना पितृ धर्म निभाने में हमसे कोई चूक हो गई? फिर किस बात का बदला ले रहे हैं वो? कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए, आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि आज आपने गौ रक्षा नहीं की तो बहुत ही बड़ा अधर्म करेंगे। अपने पुरखों के नाम से जुड़ी गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि का घोर अपमान करेंगे आप। सूर्यदेव, आप तो भूत और वर्तमान दोनों के साक्षी हैं। आप तो जानते हैं कि ताजीराज को दुख पहुंचाने का ना ही हमारा कोई उद्देश्य है और ना ही हमारी कोई इच्छा। अब उनको प्रकट रूप में हमारे इस अनुशासनहीन व्यवहार का सामना करने की शक्ति दे। हम जानते हैं कि इस समय उनका मन बहुत उद्विग्न है, क्योंकि न्यायिक जांच चाहे जो भी हो, हमें दंडित करने से हमसे अधिक मानसिक संताप उन्हें होने वाला है। और जी, राज और आपसे बदला ऐसा हो भी सकता है भला? राणा जी, उनके मर्यादित आचार व्यवहार और संस्कारों को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, राणा जी वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं आपको, अवश्य राणा जी, अवश्य ही कोई बात है जो क्या बात है राणा जी? सच में हम भी जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसने कुंवर प्रताप को चुप करवा दिया है? ऐसी कौन सी बात है जो पिता और पुत्र के बीच आकर बैठ गई है और ऊपर से बंदूक विक्रेता, पता नहीं वो क्यों हमसे आंख बिचोली खेल रहा है। पता नहीं कि पहुंच क्या बात है राणा जी? बंदूक विक्रेता को चित्तौड़ से चले पूरा एक दिन हो गया है, वो यहां पर पहुंचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राणा जी। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि रावत जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सराय के अंदर छिपा है। अब इसी क्षण उस सराय वाले को यहां बुलाते हैं। बलवान हुकुम, आपके इस सराय में जितने भी अतिथि ठहरे हुए हैं उन सब से कहिए कि उनकी तलाशी ली जाएगी इसी समय। और हुकुम, वे इसका विरोध भी तो कर सकते हैं। जो भी विरोध करें उनसे कहिएगा कि स्वयं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह उनकी तलाशी लेंगे। आगे आइए। जाइए आप। जा सकते हैं, हाथ ऊपर करिए, आप जाइए। खम्मागढ़ी हुकुम, कुंवर प्रताप महल से बाहर चले गए हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंवर प्रताप बाहर चले गए, हमारे आदेश के उपरांत कुंवर प्रताप महल छोड़कर चले गए। दादा भाई संभल के, आप हमें शांत और संभाल के रहने के लिए कह रहे थे ना, परंतु हमें लगता है अब आपको उसकी ज्यादा आवश्यकता है। कुंवर प्रताप,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.